तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं मल्लिकपुर स्टेशन में, और आज का पूरा वीडियो स्टेशन के ऊपर ही में रहेगा, क्योंकि बहुत कोई जानना चाहते हैं कि मल्लिकपुर स्टेशन में क्या है, मतलब पूरा मल्लिकपुर में क्या क्या है। तो आज का वीडियो पूरा इसी पे होगा। और अभी हम लोग रेल लाइन में इसलिए है क्योंकि हम लोग रास्ता का हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रेल लाइन से जा रहे हैं, और जूता का हालत भी ख़राब हो गया है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो इसको जुगाड़ पत्ता से पोछेंगे अभी, क्योंकि और कुछ है नहीं हमारे पास, तो इसी से ही पोछते हैं, उसके बाद जाते हैं, ठीक है। पहले पोछ, तो अब चलते हैं। कोई तो है नहीं रेल लाइन में, हम ही लोग जा रहे हैं। ये रहा अपना इलाका, क्या खूबसूरत है देख सकते हो। और अभी और एक खूबसूरत चीज आ रहा है, वो है ट्रेन। मौसम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। स्टेशन पहुंच गए हैं, देख सकते हैं आप कितना भीड़ हो रहा है। सब अभी शकल देखिएगा कि वीडियो काहे बना रहा है। ये गेट अभी ट्रेन पार हुआ है, वही तो वही लगा हुआ है, वही तो बहुत अच्छा हो रहा है। अभी हम एक नंबर स्टेशन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा एक नंबर स्टेशन है, और अभी जो ट्रेन गया था वो जा रहा था आपका डायमंड, और ये एक नंबर स्टेशन जो है इसमें जो ट्रेन आएगा वो बरेपुर से आएगा और वो सियालदा जाएगा। मैं पूरा आपको सही से समझाऊंगा। ये एक नंबर प्लेटफॉर्म है मल्लिकपुर का, यहाँ से आप सिर्फ सियालदा ही जा सकोगे। तो अगर आपको डायमंड या नामखाना जाना है तो आपको दो नंबर स्टेशन से जाना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत ऐसा सामान मिलता है, खिलौना भी मिलता है बच्चों का, देख ही सकते हो आप। और सामने में ये जो है ये टिकट काउंटर है, वहाँ पे जो भीड़ लगा हुआ है देख सकते हो आप, तो यहाँ पे टिकट कटा सकते हो आप। और ये जो जगह में अभी है हम, यहाँ लेडीज़ बॉगी है, तो यहाँ से लेडीज़ लोग उठते हैं, और सामने में जेंट्स बॉगी है, तो यहाँ से जेंट्स लोग उठते हैं। और ये जो ब्रिज देख रहे हो आप, एक नंबर से आप दो नंबर जा सकते हो और दो नंबर से एक नंबर आ सकते हो। और स्वच्छ भारत देख सकते हो कितना खूबसूरत बाथरूम है। तो वह हटना यार, हाँ अरे यार बीच में आया थे यार, सब भर्रा देख रहे हो भाई का। यहाँ पे बहुत सामान मिलता है भागर के, ले सकते हो। और हम सुबह 8:05 के ट्रेन से यहीं से जाते हैं जहाँ पे अभी है हम वीडियो बना रहे हैं, और सामने में कॉफ़ी का दुकान है वो भी अभी दिखाते हैं। और अभी हम लोग कॉफ़ी पियेंगे तो वीडियो स्टॉप कर देंगे, वो भी आपको बता देंगे कब स्टॉप करेंगे। अब दो नंबर स्टेशन जाएंगे तो वो भी आपको बताएंगे, पहले एक नंबर का पूरा डिटेल ले लो, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। और ये जो सामने का है यही है कॉफ़ी दुकान, तो कॉफ़ी हमने पी लिया, और अब हम जा रहे हैं दो नंबर प्लेटफॉर्म। ये आपका एंडिंग हो रहा है, यहाँ से आप बरेपुर देख सकते हो, सीधा जो है ये बरेपुर है, और वहाँ से जो गाड़ी आएगा वो सियालदा को जाएगा। और सामने में चाय दरबार भी है, आप चाय दरबार आके चाय भी पी सकते हो। और मल्लिकपुर का प्यारा सा बोर्ड आप देख सकते हो, और क्या, चलो आगे चलते हैं। अब हम दो नंबर प्लेटफॉर्म में उठ रहे हैं, तो लो उठ गए हैं। तो अब हम दो नंबर प्लेटफॉर्म में भी आ चुके हैं, वो तो है एक नंबर और ये है दो नंबर। यहाँ से आप नामखाना बौखथली भी जा सकते हो, और डायमंड हावड़ा का समुंदर भी घूरने जा सकते हो। और
बाकी दो नंबर में भी सब्जी उब्जी मिलता है और कपड़ा मिलता है। और मोर्चे में जहाँ पे हम लोग यहाँ से उतरते हैं वहाँ पे फल मंडी भी है, वो भी जाएंगे। आप पूरा वीडियो को पहले देखो तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ देख रहे हो लेडीज़ लोग बैठ करके, तो यही लेडीज़ बॉगी है यहाँ का फर्स्ट, मतलब बॉगी के बाद वाला लोकल ट्रेन का ये स्टेशन है भाई। और ये जंक्शन नहीं है, बट जंक्शन से ज़्यादा भीड़ हमको लगता है यहाँ होता है, क्योंकि 2-3 साल में यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ ही रहा है। और अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हम वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो अब हम बहुत आगे आ चुके हैं और यहाँ पे भाई लोग को देख लो, ठीक है। और मल्लिकपुर का प्यारा सा बोर्ड पाँव पोच जो है सब आप ले सकते हो आ कर के। और मल्लिकपुर अगर आ रहे हो तो कुछ जगह है जिसको आपको एक्सप्लोर करना ही चाहिए, वो मैं आगे बताऊँगा। पहले आप स्टेशन घूर लो, क्योंकि लोग स्टेशन ज़्यादा घूरना चाहते हैं, तभी मैं आपको स्टेशन का पूरा सही से वीडियो दिखा रहा हूँ। तो वह अब हम जाने वाले हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब ब्रिज के ऊपर। प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हम है ही, ठीक है। तो हम जाते हैं ब्रिज के ऊपर और आपको हल्का ड्रोन शॉट की तरह दिखाते हैं, सिनेमैटिक टाइप का, आपको भी खुश हो जाओगे। तो देखो तो भाई अभी हम लोग 2 नंबर प्लेटफॉर्म में हैं और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या है। तो भाई ये 1 नंबर है स्टेशन और ये जिसमें हम हैं ये 2 नंबर स्टेशन है। तो भाई अब स्टेशन का पूरा टूर ख़त्म हुआ, अब हम जाते हैं नीचे और जय बंगला। तो भाई अभी हम जो है ये है रेल गेट, अब रेल गेट को पार करेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे जय बंगला, जो कि मल्लिकपुर का पुराना मिठाई का दुकान है, जय बंगला स्वीट। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है। और अभी जैसे कि शाम हो रहा है और यहाँ पे हल्का भीड़ है ना, ऐसे रात होगा और गेट गिरेगा पूरा जाम हो जाएगा भाई। और यही देख सकते हो आप, ये है हमारा रेल गेट और सामने में जीआरपी का ऑफिस है। कुछ भी अगर गलत कोई करता है तो पकड़ के ले जाते हैं। और वही यही है जय बंगला, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे रसगुल्ला आओ तो आ करके खाओ, खा करके हमें बताओ कमेंट करके। देख सकते हो यहाँ पे जय बंगला लिखा हुआ है। उसके बाद आपको अपना स्कूल दिखाते हैं। तो यही है मल्लिकपुर आपदा सुकूर हाई स्कूल, बगल में प्राइमरी स्कूल भी है
तो मैंने 4 साल प्राइमरी में पढ़ा और 5 साल हाई स्कूल में। तो अब हम जा रहे हैं बाज़ार, जैसे कि आप देख ही सकते हो ये है बाज़ार का रूट और वो है बाज़ार के सामने वाला मस्जिद। तो अभी हम बाज़ार जा रहे हैं और इन लड़कियों को लग रहा है कि हम इनका वीडियो कर रहे हैं, बड़ा सा नहीं है, ठीक है। तो भाई अब हम लोग आगे पहुंच गए, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा बाज़ार तो नहीं जाने का सोच रहे, देखते आगे चल के क्या करना पड़ेगा। वह बाज़ार में अगर आओ तो ये भाई का पुचका ज़रूर खाओ, क्योंकि इनका पुचका बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम खाएंगे और खा के आपको बताएंगे, हम तो खाते रहते हैं बट आपको बताएंगे, ठीक है। तो भाई पूछ रहे कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, तो मैंने उनको कहा कि भाई मल्लिकपुर गनीमा का नाम सर्च करके देख लो, सबसे पहले मेरा ही वीडियो आएगा। क्या खूबसूरत है। तो गाइस अगर आप इतना दूर तक आ गए हैं तो वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। तो अगर आप मल्लिकपुर को जानते हो या फिर मल्लिकपुर में रहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना फैमिली को और बड़ा कर दो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।